हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात एक विषय हिंदी हिंदी में पाठ बीस का नाम है झांसी की रानी। इस पाठ का प्रस्तुतर मैं करवा चुकी हूँ। एक दो प्रश्न करा जो आज मैं तीसरा प्रश्न आप लोग को बोर्ड पर लिख रही हूँ, इसे आप लोग लिखिए और कविता प्लस उसका अर्थ भी लिखवा चुकी हूँ, इसको देखिए। तीसरा प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख दी, एक बार पढ़ने ध्यान से सुनिए। हुई वीरता की बहु के साथ सगाई झांसी में, उपयुक्त पंक्ति में जो लाइन दिया गया है वीरता और वैभव का संकेत किस ओर है, संकेत में इशारा। ये उपयुक्त पंक्ति जो दिया गया है इसका संकेत में इशारा किस तरफ है, तो इसका इशारा किस तरफ पर है, इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति में। प्रस्तुत पंक्ति जो लाइन लिखा गया है, वीरता का संकेत लक्ष्मी बाई की वीरता की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के राजा के स्मृति की ओर है। कहने का अर्थ यह है कि
लक्ष्मी बाई का विवाह झांसी के राजा के साथ होता है। लक्ष्मी बाई का विवाह किससे होता है? झांसी के राजा के साथ हो जाता है। लक्ष्मी बाई वीरांगना थी और झांसी स्मृत राज था। और झांसी बाई लक्ष्मी बाई क्या थी? लक्ष्मी बाई जो पहले से लड़ने में एक तेज थी और एक अच्छे बड़ा परिवार राज में उसका शादी बहुत फला फूला राज में उसका शादी हो जाता है। इन दोनों का संयोग वीरता का था, वैभव का संयोग था। यह दोनों का मिलन जो था भगवान के लिखा हुआ था। तो वैभव और संयोग दोनों के ये अपने वीरगणा युद्ध में युद्ध करने में आगे थी और स्मृत राज भी था झांसी और उसी के ये दोनों का संयोग था, दोनों का मिलन हो गया। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके पहले में इस कविता का पूरा अर्थ और कविता लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को किताब है, कविता याद कर लीजिएगा, अर्थ भी साथ साथ याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका पहला दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन लिखवा दिए, तीनों क्वेश्चन को कॉपी में नोटबुक तैयार कर लीजिएगा और फेयर तैयार करके रखिएगा। स्कूल खुलने पर कभी भी कॉपी की जाँच की जा सकती है। तुम मन लगा कर पढ़िए। आज का वीडियो इतने ओके, धन्यवाद।